इसके पहले कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मैं ये चाहता हूं कि आप जो वचन मैं आपको दूं, आप उसे बड़े ध्यान से सुने और समझें। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं यहां पहली बार आया हूं कि पहले भी आ चुका हूं, आसपास आया हुआ, यहां शायद पहली बार है। पहली बार है, पहली बार में आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर ने आप लोगों को वचन सुनाने के लिए भेजा है, भेजा है। आप वचन सुनेंगे और वचनों को सुनाएंगे। जब बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये लाइट से लेके, ये पेड़ से लेके, जमीन से लेके, सब चीजें परमेश्वर के शब्दों से बनी है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। बाइबल कहती परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को, समुद्र के जीवों को, पेड़ पौधों को, सबको अपने वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपने वचन से नहीं बनाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी को गूंथ कर, अपने जीवन के सांस को फूंक कर, परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने जीवन के सांस जो थे वो आदम में फूके थे। और नए नियम में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि वही सांस जो आदम के अंदर फूका गया था, वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। सेम सांस, 90% नहीं, 99% नहीं, वो सांस जो आदम के अंदर फूका गया और एक मिट्टी का पुतला जीवित हो गया था। वचन कहता है कि जब बाइबल को परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, तो परमेश्वर ने वही सांस परमेश्वर के वचनों के ऊपर डाले थे कि जो कोई मुर्दा व्यक्ति इस आने वाले समयों में परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेगा, वो वही जीवन पाएगा जो आदम ने पाया था। आज जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, आपका मुर्दा जीवन परमेश्वर से जीवन पा रहा होगा, आपका मुर्दा बिजनेस जागने की तैयारी कर रहा होगा, आपके मुर्दा गर्भ जनने की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख लेना, आप यहां आए जरूर हो फ्रूटलेस, लेकिन आप जाओगे फ्रूटलेस नहीं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन लोगे जिसमें परमेश्वर का सांस मिला हुआ है, तो आप वही जीवन को पाओगे जो आदम ने पाया था। आज इसीलिए लोगों के घरों में जीवन नहीं है, वो मैरिड तो है, उनकी मैरिड लाइफ में जीवन नहीं, बिजनेस तो करते हैं, उनके बिजनेस में जीवन नहीं, जी तो रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई लाइफ नहीं। कहते जी मरिया वांगू जी रहे हैं अपन। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा वचन सुनेगा वो जिएगा। अगर कोई मृतक मेरा वचन सुनेगा, जितने मृतक परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे, बाइबल कहती है। वो चाहे फाइनेंशियल जी उठना हो, वो चाहे शरीर का जी उठना हो, बीमारियों से जी उठना हो, घरेलू जी उठना हो, मानसिक जी उठना हो, हर प्रकार की मौत को बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन काटता है, खत्म करता है, जब आप अपना कान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाते हैं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, और जिस दिन मेरे दादाजी को कैंसर हुआ, हम इसी एरिया के हैं, फिरोजपुर एरिया के, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ तो क्रिश्चियन लोग घरों पे प्रार्थना करने के लिए आते थे, और मैं कहता था कि हम हिंदू खतरी लोग हैं, हमारे घर पे मत आया करो, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटाई करूंगा। तुम लोग अंग्रेजों का धर्म फैलाने के लिए यहाँ पे आते हो, तुमने पहले इंडिया के दो टुकड़े कर दिए, अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा धर्म भी माने ताकि तुम्हारा इनडायरेक्टली कब्जा हम पे रहे। और मैंने अपने दादाजी को यीशु मसीह में विश्वास करने नहीं, पूरी फैमिली ने दिया। जब उनकी डेथ हो गई, जिस दिन मैं मेंटली अपसेट के अटैक मुझ पे होने लगे, और जब मैं पूरी दुनिया घूमने लगा, सब जगहों में सब जगह देखने लगा, कोई डॉक्टर मैंने न्यूरोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा, दिमाग का डॉक्टर नहीं छोड़ा, और जब सुसाइड करने जा रहा था, तो एक हिंदू बंदे ने बताया था कि परमेश्वर यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए। पूरी बाइबल में क्रिश्चियन धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। यीशु मसीह तेरे धर्म, तेरी जात, तेरे रंग, तेरे रूप, तेरी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तुझे बचाना चाहता है, तुझे आशीषित करना चाहता है। ये पकड़ बाइबल, 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे नशा किया हुआ था जब ये वचन सुना, नशा करके चर्च देखी थी उसी रात को। उन्होंने कहा था चर्च देख ले हमारी, हम घर में चर्च लगाते हैं, आया करना चर्च में, जब तू आया करेगा तो हम तुझे प्रार्थना किया करेंगे और परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। उस समय सारे घमंड टूट चुके थे,
सब चीजें देख चुका था, सब समझ सब भूल चुका था, क्या धर्म क्या अधर्म, नशों में अपना जीवन बिता रहा था, कोई इलाज नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी जगह गया हूँ, इन ईसाइयों की बात भी सुन लेते हैं। जिस दिन पहली प्रार्थना हुई थी उस दिन ये समझ आ गया था कि अगर कोई मेरा हल कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह ही हैं, वही हैं जो मुझे आज़ाद कर सकते हैं। पढ़ा लिखा था, घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट था तो बहुत कम लोगों के पास होता था, और जब मैंने इंटरनेट पे देखा, लोगों के घरों में गवाहियां सुनने के लिए गया, बाइबल को खुद पढ़ा, खुद समझा, खुद जाना, खुद जांचा, खुद परखा, बहुत से सवाल थे मन में, लेकिन परमेश्वर ने एक एक सवाल का बाइबल के अनुसार मुझे उत्तर दिया, और फिर मालूम हुआ कि वाकई बाइबल में एक भी जगह ईसाई धर्म नाम का जिक्र तक नहीं है। एक ही जिक्र है कि वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमको जन्मा, हम पाप के द्वारा उससे अलग हो गए, पाप के बाद बीमारियां आई, तकलीफें आई। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो ये कहे, आओ भाग्यवान दो बच्चे पैदा करते हैं, और अब वो दो बच्चे जब पैदा हो जाएंगे हम ये चाहते हैं कि खूब सा संघर्ष करें, खूब सारे हॉस्पिटल में जाएं, बीमार रहें, नशे करें, तकलीफ रहें, संघर्ष में रहें, उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई हो। एक गरीब भी ऐसा नहीं चाहेगा, एक गरीब भी बाइबल कहती है अब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब मुझे ये बात की समझ आई कि संघर्ष परमेश्वर की ओर से नहीं है, बीमारियां परमेश्वर ने नहीं जन्माई, ये शैतान की जन्माई हुई हैं, और हम अगर प्रभु से दूर हैं, अगर एक बच्चा अपने बाप से दूर है तो बाप उसकी हिफाजत नहीं रख सकता, अगर एक बच्चा बाप के कहने से बाहर है तो वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा अपने बाप के कहने में है, उसके घर में रहता है, उसकी बात को सुनता है, तो जब कोई मारने के लिए आता है वो बाप उसका मुंह लाल कर देता है दुश्मन का। मुझे ये बात समझ आई कि वाकई अगर हम नहीं चाहते हमारे बच्चे बीमार हों, अगर हम नहीं चाहते हमारे बच्चे तकलीफ में रहें, तो स्वर्ग के पिता कैसे चाहता होगा, परमेश्वर कैसे चाहता होगा कि हम लोग तकलीफ में रहें। तब मेरे को समझ आई, आप एक जानवर को देखेंगे ना, जब उसके बच्चों के ऊपर आती है वो अपनी जान तक दे देते हैं। कभी कबूतर को देखो, पंछियों को देखो, जब खेतों में वो अंडे देते हैं और ट्रैक्टर चढ़ने वाला होता है अंडों के ऊपर, तो वो अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं। आपने ऐसी टी 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 करने वाली एक चिड़िया देखी होगी, जब आप रात को कई बार ग्राउंड में निकलते तो वो ग्राउंड में अंडे देती है, जब ग्राउंड में जाते तो वो शोर मचा देती है, उसकी शोर मचाने से उसको पता है कि उसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, लेकिन अपने अंडों के कारण, अपने बच्चों के कारण वो अपनी जिंदगी को भी खतरों में लगा के उसे बचाना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमारे दिल में डाला है। ये सारी भावनाएं हमें परमेश्वर से मिली हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, मैंने मनुष्य को अपने ही तरीके का, अपने ही जैसा, अपने जैसा दिखने वाला मैंने उसे बनाया है। इसीलिए अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना, ये आपको परमेश्वर से मिला है। अपने बच्चों से प्यार करना, ये आपको परमेश्वर से मिला है। ये परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, तो परमेश्वर जिसने आपके अंदर डाला है वो कितना प्यार हमें करता होगा, और वो कितना चाहता होगा कि हम इन बीमारियों से, हम इस शैतान से, हम इन दुखों से छूट जाएं। लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह में, यीशु मसीह के बाद शुरू हुई। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी नहीं है, क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह से स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी जिसकी आप बात करते हैं कि मसीह का जन्म, उसके बाद पवित्रताई, उसके बाद पवित्र आत्मा का उतरना, वो क्रिश्चियनिटी की अगर बात करते हैं वो 2000 साल पहले शुरू हुई, लेकिन परमेश्वर 2000 साल पुराना नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले वचन कहता है कि एक लेवी के घराने में निर्गमन दो, उसकी एक आयत, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया, वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छुपा रखा। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर शारीरिक रूप में भी धरती में नहीं आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले मूसा का जन्म होता है, और किस समय मूसा का जन्म होता है, जिस समय इजरायली लोग दुखों में थे, फिरौन राजा ने उन पर कब्जा कर लिया था। बाइबल कहती है तरह तरह के कामों से, तरह तरह के ईंटे बनाने के काम से, गारे के काम से, मजदूरी के काम से उनको दुखी कर दिया था, लेकिन वचन कहता है जैसे जैसे वो उनको दुखी करता था वो और बढ़ते थे। जब वो और बढ़ने लगे तो राजा ने प्लान किया,
उसने कहा ये इतने बढ़ जाएंगे कि हम पर कब्जा कर लेंगे, तो आओ एक प्लान करें, जितने लड़के इनके पैदा हों उनको मार देंगे, जितनी लड़कियां पैदा होंगी उनसे शादियां कर लेंगे, ताकि इस वंश को खत्म किया जा सके, इस पूरी कौम को खत्म किया जा सके। एक स्ट्रेसफुल टाइम था बहुत, क्योंकि ये बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे ही लड़का पैदा होता था आर्मी उसे उठा के लेके जाती थी और उसे मार दिया जाता था। एक स्ट्रेसफुल टाइम था, एक ऐसा समय जो कोई भी प्रजा, कोई भी लोग, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो एक प्रेमी परमेश्वर है, जो छुटकारा देना चाहता है, जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है, उसी तरह परमेश्वर जो अपने बच्चों को इतना प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। वचन कहता है परमेश्वर ने इसराइलियों की प्रार्थना को सुन के मूसा को जन्म दिया। जब मूसा का जन्म हुआ तो वचन कहता है उस समय इतनी ज्यादा मुश्किलें में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा दुख के पहाड़ उन पे इसराइलियों पर उतर आए थे कि राजा उनके सब बच्चों को मार रहा था। वचन कहता है तीसरी आयत में कि जब वो उससे छिपा ना सकी तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर चिकनी मिट्टी की राल लगाकर उस बालक को नील नदी के किनारे वो छोड़ आई। बालक की बहन दूर देखती रही कि उसका क्या हाल होगा। फिरौन की बेटी नहाने के लिए जब नदी के किनारे आई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने खोल के देखा कि एक रोता हुआ बच्चा है, तब उसे तरस आया और उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक होगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि उसकी मां ने जब देखा कि 3 महीने हम इसे छुपा नहीं सकते अब, तो उसे नदी में एक टोकरी में उसे छोड़ दिया। और वहां पर राजा की जो फिरौन की जो बेटी थी वो नदी के किनारे नहा रही थी, जबकि फिरौन की जो बेटियां होती थी वो नदी के किनारे नहीं नहाती थी, नदी के किनारे आम लोग नहाते थे। तो जो राजकुमारियां होती थी उनके लिए महलों के अंदर बने होते थे पूल जहां वो नहाती थी। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर की विल थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि वो अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता था। और वो मूसा जो जन्म जिसने लिया था वो परमेश्वर का एक नबी था और उसके जरिए से परमेश्वर ने उनको छुटकारा देना था। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने रानी उस राजकुमारी के दिल से बात की कि वो जाए और नदी में नहाए। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बड़े बड़े योजनाएं आपके लिए करता है। ये मीटिंग मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं आपकी अपनी डायरी आपको दिखाऊं तो आपको 100 जगह के ऊपर मीटिंग्स मिलेंगी जहां लोग मीटिंग करना चाहते हैं, 100 जगह हैं। लेकिन जब मेरी टीम ने कहा आप कहां मीटिंग करना चाहते हो, मैंने कहा मैं बठिंडा में मीटिंग करना चाहता हूं। कहते वो तो लिस्ट में भी नहीं है। मैं कहा लिस्ट में नहीं है तो डालो लिस्ट में, क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो मेरा ये विश्वास है वो राजकुमारी के दिल से उसने बात की कि जा और नदी में जहां के नहा। तो बाइबल कहती वो अपनी सखियों के संग नदी के किनारे नहाने के लिए चली, जबकि ये ऑर्डिनरी बात नहीं थी, आम बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मूसा की माँ से मैं बात करूंगा कि वो मूसा को नदी में बहाए, और उधर राजकुमारी के दिल से परमेश्वर ने बात की कि दूध नदी में जाके नहाए। इस तरह से मेरे प्रियो परमेश्वर आपके छुटकारे की योजना को बनाता है। आपको लगता है कि आप यहाँ वैसे ही आ गए हैं, आज किसी ने आपको मीटिंग के बारे में बताया आप यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने आपसे बात की है यहाँ आने के लिए, और परमेश्वर ही आपका छुटकारा करेगा। आज आज हेवन आपके लिए ओपन होगा और आपके परिवार के लिए ओपन होगा, और एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके फाइनेंस में प्रवेश करेगा। वो परमेश्वर जो किसी धर्म या किसी जात से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो मेरा और आपका और सब जगत का परमेश्वर है, उसने आज योजना बनाई है आपको छुटकारा देने की, आपको बचाने की, आपको चंगा करने की, आपको आजाद करने की। हजारों परिवार आज यहाँ होंगे जो नशों से छुड़ाए जाएंगे। आमीन। ऊंचा दे पर तुम्हारी होगी चर्च। हालेलुया।